जापान में नए तरह का बवाल मचा है। ब्यूटी पेजेंट में भारत से संबंध रखने वाली प्रियंका योशिकावा को मिस जापान चुना गया। प्रियंका के पिता भारतीय हैं और मां जापानी। इसके बाद देश में नस्लीय समानता की नई बहस छिड़ गई। प्रियंका को ताज पहनाए जाने के बाद से जापान की सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड करने लगा कि मिस यूनिवर्स जापान पूरी तरह से जापानी होना चाहिए, न कि आधी यानी हाफू। यहाँ पर हाफू शब्द का इस्तेमाल मिश्रित नस्ल को लेकर किया गया है। लोगों का कहना है कि मिस जापान को पूरी तरह जापानी होना चाहिए। प्रियंका दूसरी ऐसी सुंदरी हैं जो जापान का प्रतिनिधित्व करेंगी। इससे पहले पिछले साल अरियाना मियामोतो को यह सम्मान मिला था। प्रियंका का जन्म टोक्यो में हुआ। उनके पिता भारतीय हैं जबकि मां जापानी। अब प्रियंका ने जापान में नस्ली पूर्वाग्रह के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। उनका कहना है, हम जापानी हैं, हाँ मैं आधी भारतीय हूँ और लोग मुझसे मेरी नस्ली शुद्धता के बारे में पूछते हैं। मेरे पिता भारतीय हैं और मुझे इस पर गर्व है। मुझे गर्व है कि मेरे अंदर भारतीयता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जापानी नहीं हूँ। 22 साल की प्रियंका धारा प्रवाह जापानी और अंग्रेजी बोलती हैं। उनको हाथियों के प्रशिक्षण का लाइसेंस भी मिला हुआ है। प्रियंका से एक साल पहले ही अरियाना मियामोतो जापान का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी। तब उन्हें भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। बहरहाल प्रियंका के मुताबिक अरियाना से पहले मिश्रित नस्ल की लड़कियां जापान का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती थी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।